ये कंपनी का दरमियानी फासले का आला है। स्मार्टफोन को गूगल प्ले कंसोल की लिस्टिंग मिली है और उस आले को ताकतवर बनाने के लिए उसमें 2.0 GHz और ओकिटा कोर परोसे सिर है। वीवो Y12s को इंडोनेशिया के TKDN, रूस के यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन और चीन चीनी क्वालिटी सर्टिफिकेशन जैसी मुतअद्दिद बॉडियों ने संध हासिल कर ली है। वीवो की Y12s ताकत के जरिए मीडिएट कैंटी 6765 है जो हेलियो P35 चिप सीट है, जिसका मतलब है कि ये स्मार्टफोन सैमसंग और दूसरी हैंडसेट कंपनियों का मुकाबला करने वाला होगा। वीवो Y12s की 3GB रैम है जो सार्फिन के लिए काफी से ज्यादा है। स्मार्टफोन में सेल्फीज के लिए वाटरप्रूफ डिस्प्ले मिला है और स्क्रीन में HD रेजोल्यूशन 720x1500 पेश किया गया है और वीवो तेज Y12s में 6.4 इंच स्क्रीन डिस्प्ले और LCD स्क्रीन है जिसकी कसाफत 300px है। स्मार्टफोन पर एंड्रॉइड 10OS पहले से नसब है। वीवो सार्फिन को स्टोरेज की गंजाइश बढ़ाने के लिए 64GB की अंदरूनी मेमोरी Y12s की स्टोरेज गंजाइश और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट पेश करता है। स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो 16MP मेन कैमरा, 5MP अल्ट्रा वाइड, 2MP गहराई का है और सेल्फी लेने के लिए सामने का कैमरा 8MP का है। Y12 को पावर BRG 8329 का GPU मिला और आले की सलामती के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने आने वाले स्मार्टफोन को रियर माउंट फिंगरप्रिंट रीडर के साथ पैक किया है। उसका मतलब है कि Y12s इस्तेमाल करने के लिए एक महफूज फोन होगा। हैंडसेट में ताकतवर बैटरी लगाई गई है जो 5000mAh की सलाहियत को पेश करती है। कंपनी का आने वाला स्मार्टफोन जिसे वीवो के जरिए Y12s कहा जाता है, उसके पास अच्छा स्मार्टफोन होगा। स्मार्टफोन के चश्मी काफी मुतासिर किन नजर आते हैं जो कंपनी के बेशतर सार्फिन के लिए जाने वाला इंतखाब होगा। वीवो Y12s काफी ताकतवर चश्मी वाला बजट स्मार्टफोन बनने जा रहा है।